माओवादियों का भय दिखाकर पतरातू पिठौरिया घाटी घूमने आए पर्यटकों के साथ हुई लूटपाट करने के मामले का खुलासा हुआ है। मामले में पिठौरिया थाने की पुलिस ने छापेमारी करते हुए लूट के 12 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इकबाल अंसारी नाम के अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी ने पिठौरिया घाटी में घूमने पहुंचे कई पर्यटकों को नक्सली होने का भय दिखाते हुए 28 मई को मोबाइल और पैसे की लूट की घटना को अंजाम दिया था। यद्यपि उसको हम लोग डिटेन करके रखे हुए थे, लेकिन प्रॉपर जब सत्यापन हुआ तो वो मजदूरा किस्म का आदमी की लूटपाट के क्रम में वो भी आदमी था। जब उसको हम लोगों ने लाया वहाँ से तो पता ये चला, रूबिंद और दगा के थे, कि ये आदमी इन्वॉल्व नहीं था। पहले जब घटना हुई थी उसमें इन्वॉल्व था, और हमारे प्रभारी और प्लस खासतौर से मैडम ने इसका वेरिफिकेशन करवाया कि ऐसा नहीं है कोई निर्दोष आदमी इसके कहने पर जेल चला जाए, इसका पूरा ख्याल रखा। यद्यपि उसको हम लोग डिटेन करके रखे हुए थे, लेकिन प्रॉपर जब सत्यापन हुआ तो वो मजदूरा किस्म का आदमी था, ड्राइवर था। सीसी फुटेज देखा गया जहाँ ये काम कर रहा था, तो उस डेट में उस समय रांची के थमाल थाना क्षेत्र से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देशी कट्टा और पिस्टल के साथ वाहन चेकिंग के दौरान थमाल थाने की पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधी समीर और धीरज कुमार दास को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। हमारे थाना में हम लोगों को सूचना मिली थी कि राइडिंग मोटरसाइकिल में दो नवयुवक बाइक से आ रहे हैं, या तो अफीम से के धंधे से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ना कोई घटना कारित करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर। उनके पास वेपन भी हो सकता है, यही सूचना थी। डीएसपी साहब को मैंने, उनके नेतृत्व में टीम गठित हुआ, तमार के प्रभारी लोग गए वहाँ और चेक करने के क्रम में बाइक से दो लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें समीर स्वासी और धीरज कुमार दास हैं। ये लोग लोकल ही तमार के ही रहने वाले हैं। इनके पास से जब स्थानीय लोगों के समक्ष हम लोगों ने जब जांच करवाया, क्योंकि शाम के समय में ये चेकिंग चल रही तो वैसे भी पब्लिक वहाँ उपस्थित हो ही जाता है, तो इनके पास से ये देख रहे हैं देसी तमंचा और एक पिस्टल जो बिल्कुल कारगर और अच्छे क्वालिटी में दिख रहा है, ये मिला है। दोनों को उन लोगों के समक्ष हम लोगों ने अरेस्ट किया है और ये सामान जब्त किए, कोई कागजात उनके। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 5 स्कोप ऐप।